हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास थर्ड का इंग्लिश लेसन 7 द फेयर आपको पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि मेले में क्या क्या देखने को मिलता है। तो द फेयर मीन्स मेला। शुरू करते हैं। नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर। फेयर मीन्स मेला। फेयर मीन्स मेला विद साथ देयर पेरेंट्स अपने माता पिता। तो नितिन और मीठी अपने माता पिता के साथ मेला जाते हैं। देयर इज ए जायंट व्हील एंड अ सर्कस इन द फेयर। तो मेले में एक झूला और एक सर्कस है। नितिन ईट्स एन एप्पल एंड ऑरेंज एंड अ बनाना। नितिन खाता है एक सेब एक संतरा और एक केला। नितिन एक सेब एक संतरा और एक केला खाता है। मीठी ईट्स ए लॉलीपॉप। मीठी एक लॉलीपॉप खाती है। नितिन बाइस ए बैट एंड ए बॉल। नितिन खरीदता है एक बल्ला और एक गेंद। मीठी बाइस मीठी खरीदती है अ बैलून एक गुब्बारा एंड ए डॉल और एक गुड़िया। बच्चों, तो आपने कौन कौन नए वर्ड सीखे इस पाठ में? फेयर मीन्स मेला, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, जायंट व्हील मीन्स झूला, बैलून मीन्स गुब्बारा। बहुत अच्छे। लुक एंड रीड। This is an apple. यह एक सेब है. नितिन likes to eat an apple. नितिन एक सेब खाना पसंद करता है. This is a monkey. The monkey likes banana. यह एक बंदर है. बंदर को केले पसंद हैं. This is a rat. The rat is in the box. यह एक चूहा है. चूहा डिब्बे के अंदर है. This is an umbrella. The umbrella saves us from the rain. यह एक अम्ब्रेला छाता है. छाता हमको वर्षा से बचाता है. This is the sun. The sun rises in the east. यह सूरज है. सूरज पूरब में निकलता है. This is the Taj Mahal. The Taj Mahal is very beautiful building. The Taj Mahal is very beautiful. यह ताजमहल है. ताजमहल बहुत सुंदर है. अब बच्चों, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द भरेंगे। चलो बताती हूँ, शुरू करें। रिक्त स्थानों को भरने से पहले बच्चों जान लें, ए का प्रयोग जो आपके व्यंजन से शुरू होते हैं शब्द, उनके पहले ए का प्रयोग होता है, और जो स्वर से शुरू होते हैं अर्थात वॉवेल से, उनके आगे ए एन एन लगता है। और द का प्रयोग पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है। द सन, एन एप्पल, अ गन,
एन ऑक्स द ताजमहल ए बैग एन इंजन द स्काई एन ऑरेंज। इस प्रकार से बच्चों भर लें अपनी अपनी किताबों में और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।